हैं। बहुत दुख होता है ये जानकर कि हमारे बच्चे नगर पालिका की पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं और टैक्स लूटने वाले नेताओं के बच्चे सब पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे घर के लोग बीमार हो जाएं तो नगर पालिका के हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं जहां पर गंदगी ही गंदगी बिखरी रहती है। नेताओं के घर वाले जब बीमार पड़े तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाते हैं या लंदन चले जाते हैं। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ें, उनके बच्चे लंदन में पढ़ें, उनका इलाज अमेरिका में हो, उनका इलाज लंदन में हो, वो सब टैक्स लेने वाले हैं। वो मालिक नहीं है इस देश के, नौकर हैं, सेवक हैं। वो मजा करें, मौज करें, और हम सब जो टैक्स दे रहे हैं, जो इस देश के मालिक हैं, वो भूखे मरें, गरीबी में रहें, बेरोजगारी में। ये कैसे चलेगा इस देश में और क्यों चलेगा? यही प्रश्न जब बार बार हमारे मन में आता है तब हमको लगता है कि कुछ करना चाहिए, इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। जिस व्यवस्था में नेता और अधिकारी लूटने में लग गए हों, इनको आज नहीं तो कल हटाना ही चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर हमने भारत स्वाभिमान अभियान शुरू